शीर्ष 5 प्रदर्शनियों में से एक माने जाने वाली प्लास्टिक प्रदर्शनी प्लास्टी विजन इंडिया 2023 का आयोजन मुंबई में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक किया जाएगा। इसी संदर्भ में नागपुर शहर में कार्यक्रम का आयोजन कर इस एक्सपो के बारे में प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों को जानकारी साझा की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हल्दीराम की निदेशक सुशील कुमार शिवकिशन अग्रवाल उपस्थित थे, तो सम्मानीय अतिथि हेमा मयूरेश देशपांडे, क्षेत्रीय अधिकारी नागपुर एमपीसीबी विशाल अग्रवाल, अध्यक्ष विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं शशि भूषण वैद्य, राष्ट्रीय संयोजक ग्राम शिल्प लघु उद्योग भारती मुख्य रूप से उपस्थित थे। सभी सम्मानीय और मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यह प्लास्टिक विजन इंडिया 2023 का 12वां संस्करण है और 6 महीने से पहले ही पूरी तरह बुक हो चुका है। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से 1500 से अधिक प्रदर्शकों ने 30 से अधिक देशों के 125,000 वर्ग मीटर के आधुनिक सुविधाओं से पूरे परिसर में अपने स्टॉल बुक किए हैं। ऐसी जानकारी AIPMA उपाध्यक्ष सुनील शाह द्वारा बताया गया। I am Sunil Shah, Vice President Finance of All India Plastic Manufacturing Association. Plastic Vision is we are doing since almost 30 years now, and this is the 12th edition of Plastic Vision, and this we are doing on from 7 to 11 at NESCO Goregaon, Mumbai, and this is amongst the best 5 exhibitions in the world, and it has been recognized by UFI government organization certification, and visitor is more than 100,000 visitors all the time, and the exhibitors at the same time the participants and all the visitors all are getting benefits, so there are reputation is more than 80%. Yes, Nani, Maharashtra Plastic Vision ka promotion अधिकारी हूँ। ये हमारा फोर्थ रोड शो हो रहा है महाराष्ट्र में, एंड एक हमारा गोवा भी हो चुका है, नासिक हो गया है, नेक्स्ट हमारा एक मालेगांव में है, कोल्हापुर भी हो गया है। सो ये टोटल वी आर प्लानिंग अराउंड 30-34 सिटीज में रोड शोज हम प्लान कर रहे हैं। ये जो रोड शो है, ये हम हमारा जो एग्जीबिशन है प्लास्टिक विजन 2023 विच इज इन बॉम्बे इन दिसंबर 7, 8, 9, 10, 11, तो इस एग्जीबिशन को प्रमोशन के लिए हम लोग सिटीज में जाके इसका रोड शोज कर रहे हैं। प्लास्टिक विजन इंडिया 2023 के प्रमोशन कमेटी के रवि जशानी ने एक्सपो के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गोरेगांव मुंबई में होने वाली प्रदर्शनी में दुनिया भर से 2,50,000 से अधिक आगंतुक आएंगे। यह स्थल मेट्रो, लोकल ट्रेन और भूतल परिवहन से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। UFI द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, शीर्ष निकाय और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्लास्टिक विजन इंडिया 2023 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और मेक इन इंडिया द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। इस 5 दिवसीय प्रदर्शनी में 30 से अधिक देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जिसमें नई तकनीक और लाइव मशीनरी भी देखने को मिलेगी। देखिए, ये प्लास्टिक विजन काफी दिनों बाद हो रहा है। कोविड के बाद इसका आयोजन अभी काफी लेट हुआ है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नागपुर के लिए, क्योंकि समृद्धि महामार्ग बनने के बाद नागपुर में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुल गई है। जो इंडस्ट्रीज हैदराबाद, पुणे में और बॉम्बे में हैं, उनको सर्विस करने के लिए नागपुर एक सबसे आइडियल लोकेशन है। अभी पहले एयर कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है। प्रदर्शनी अवधि के दौरान कई तकनीकी सम्मेलन और B2B बैठकें आयोजित की गई हैं, जो बाजार के नेताओं द्वारा उपयोग किए जा रहे नए रुझानों और प्रौद्योगिकियों की पेशकश करेंगी। प्लास्टिक विजन इंडिया 2023 बड़े सहयोगकर्ताओं और MSME और स्टार्टअप के लिए वैश्विक व्यवसाय विकसित करने का एक मंच है। प्लास्टिक विजन इंडिया 2023 में विशेष मंडप में समर्पित प्रदर्शक हैं कृषि में प्लास्टिक, स्वचालन, डाई और मोल्ड, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट से धन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल में प्लास्टिक, तैयार उत्पाद, नौकरी मेला, कंसल्टेंट्स क्लिनिक। टीम प्लास्टिक विजन इंडिया ने 2,50,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए 40 से अधिक रोड शो आयोजित करके पूरे भारत और विदेशों में एक विशाल आगंतुक प्रोत्साहन अभियान चलाया है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।